नशे पर चढ़ा शिव भक्ति का रंग, महादेव के जयकारों से गूंजी काशी, बाबा के भक्त जपने लगे मोदी की माला। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, मैं आपके साथ कविता राणा। श्रावण मास का पहला सोमवार जब देश का कोना कोना शिव भक्ति के रंग में दिखा, लेकिन काशी जिसे महादेव ने स्वयं अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के लिए बसाया हो, वहां की तस्वीर आज बिल्कुल अलग दिखी। जी हाँ, यूँ तो देखिए काशी का हर दिन शिव की भक्ति में रंगा होता है, लेकिन आज बाबा की ये नगरी उनके भक्तों के लिए दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सुबह की मंगला आरती से ही कांवड़ियों द्वारा बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले सदियों पुरानी यदुवंशी समाज से जुड़ी काशी की एक परंपरा भी निभाई गई। जी हाँ, काशी का यदुवंशी समाज, श्रावण मास की बात हो या फिर महाशिवरात्रि की, बाबा को सबसे पहले जलाभिषेक यदुवंशी ही करते हैं। ये एक परंपरा है जो देखिए पिछले 90 सालों से चली आ रही है। इस खास मौके पर केदार घाट से यादव बंधु गंगा से जल लेते हैं, सबसे पहले केदार मंदिर में जलाभिषेक करते हैं और इसके बाद रेवड़ी तालाब में तिल भंडेश्वर महादेव को जल चढ़ाते हुए काशी विश्वनाथ के धाम आते हैं। लगभग देखिए 9 शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और कहते हैं कि 5 यदुवंशियों ने अकाल में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की नींव रखी थी। और यदुवंशी के अनुसार मान्यता ये कहती है, अनादिकाल में एक बार सावन के महीने में वाराणसी समेत पूरे भारत में सूखा पड़ गया था। तब कई ब्राह्मणों और ऋषियों ने यादव परिवार के लोगों से काशी के श्री विश्वनाथ मंदिर सहित कई शिवालयों में जलाभिषेक करने का आदेश दिया और इसके बाद भारी वर्षा हुई थी। तब से ये परंपरा वाराणसी में यादव परिवार के लोग आज तक निभाते आए हैं, जिसमें हर साल करीब 50,000 यदुवंशी परिवार भाग लेते हैं। तो यदुवंशियों द्वारा बाबा को जलाभिषेक करने के बाद कांवड़ियों की भीड़ दिखी मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर में देखे एक और जहां महादेव के जयकारे लग रहे थे, दूसरी तरफ बाबा के भक्त पीएम मोदी के नाम की माला जप रहे थे। जी हां, श्रावण मास में शिव की काशी पीएम मोदी का धन्यवाद करती हुई दिखी। मोदी जी के वजह से हमारा बनारस इस समय एकदम से बाबा भोलेनाथ के नाम पर बम बम है। कोरोना काल में हम लोग 2 साल जलाभिषेक नहीं किए, इसलिए इस बार थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और बाबा से हमारी विनती है कि हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रहें। कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये हम लोगों की समिति जो है चंदगोप सेवा समिति, लालजी भैया केदारेश्वर घाट से जल लेकर निकलते हैं, तिल भंडेश्वर, बाबा विश्वनाथ, सारंगनाथ और महामृत्युंजय, ओमकारेश्वर तिलेश्वर, सब जगह जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ा के प्रसाद भी बीच बीच में लोगों ने रखा है, व्यवस्था व्रत की व्यवस्था, तो उसको ग्रहण करते हैं। तो कोविड के भेड़ चुके बीते 2 सालों में भक्तों की उतनी भीड़ कभी नहीं दिखी जितनी पहली बार इस बार देखने को मिली। और ऊपर से देखें कॉरिडोर के बन जाने से बाबा के भक्त सीधे गंगा द्वार से गंगा जल लेकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे थे, और इस खास मौके पर बाबा के सिर्फ एक झलक पाने के लिए भक्तों को देखे 12-12 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा और अपनी बारी का देखे लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, बल्कि श्रावण मास के पहले सोमवार में पूरी काशी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए भी दिखी। तो वाराणसी से शिवम गुप्ता की एक खास रिपोर्ट।